नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी नरेश राम का पुत्र मनीष कुमार 17 शुक्रवार की सुबह भीमापार गांव में गांगी नदी में नहाने के लिए गया था। जब काफी देर बाद भी घर नहीं लौटा तो परिवार के लोग परेशान हो गए। उसकी नदी के साथ ही इधर उधर खोजबीन की गई, लेकिन पता नहीं चला। रविवार की सुबह कुछ लोगों ने उसका शव नदी में झाड़ी में फंसा देखा। जानकारी होते ही परिवार के लोग भी पहुंच गए। शव पर नजर पड़ते ही चीख पुकार करने लगे। इस संबंध में कोतवाल रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि लिखा पढ़ी के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। श्री राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश वेदू ने क्षत्रिय समाज के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक भाजपा नेता के खिलाफ कासिमाबाद थाना में तहरीर दी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि क्षत्रिय समाज के खिलाफ बिना जाने समझे किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसा कृत्य करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिला महामंत्री रानू सिंह, जिला उपाध्यक्ष पुष्कर सिंह, मोंटी सिंह ब्लॉक अध्यक्ष हंसराज सिंह, ब्लॉक महामंत्री प्रवीण सिंह, आदित्य सिंह, रवि प्रताप सिंह, संदीप प्रताप सिंह पिंटू ब्लॉक अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह के नेतृत्व में गाजीपुर के लाल दरवाजा स्थित पावर हाउस में रविवार को बैठक हुई। इसमें विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में 10 अगस्त को होने वाले विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तय की गई। इस मौके पर निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप कमर कसकर अपने अस्तित्व और अपने मान सम्मान तथा हक की लड़ाई के लिए बिना कहे निजीकरण के लिए 11 से 4 बजे तक होने वाले विरोध प्रदर्शन में अवश्य शामिल हों। गाजीपुर के नंदगंज क्षेत्र में एक तरफ जहां कोरोना महामारी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वहीं मौसमी बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए सचल अस्पताल एक्सप्रेस द्वारा भी गांव-गांव जाकर लोगों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और दवा का वितरण किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व रिलायंस के सौजन्य से ग्रामीणों को निशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चलाए जा रहे सचल अस्पताल एक्सप्रेस द्वारा रविवार को दूसरी बार सिहोरी ग्राम सभा में कार्यक्रम के आयोजक प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान युवा प्रभाग के जिलाध्यक्ष व एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक रविंद्र श्रीवास्तव की देखरेख में कैंप लगाकर लगभग 150 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र में स्थानीय गांव में शिवाला पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हरिजीत सिंह एवं किसान नेता भानु प्रताप सिंह के संयुक्त प्रयास से प्रभारी अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नेतृत्व में कोरोना जांच कैंप का आयोजन किया गया। जांच कैंप में स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM निधि राय, खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, सचिव संगीता कुशवाहा द्वारा गांव के करीब 60 लोगों को पंजीकरण कराया गया। जिले में आई कोरोना जांच यूनिट ने सभी का एंटीजन टेस्ट किया, जिसमें सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार कैंप का आयोजन कर लोगों की निःशुल्क कोरोना की जांच की जा रही है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हरिजीत सिंह ने कहा कि लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए, नियमित तौर पर मास्क का प्रयोग और साबुन से हाथ धोना चाहिए। इस मौके पर प्रभारी अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा डॉक्टर रवि रंजन, केदारनाथ सिंह, राम प्रताप सिंह, अमित सिंह, संतोष सिंह, गणेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।